नमस्कार, केएम न्यूज में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं केएम न्यूज, आपके साथ मैं निवृत्ति भोंग। रेवाड़ी के बावल स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार को 4 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त यशचंद्र सिंह और मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जबकि हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी डॉक्टर BSS मूर्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। बी पॉजिटिव संस्था द्वारा शिविर में 100 ग्रामीण महिलाओं को मधुमक्खी पालन का 4 दिन तक 22 से 25 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर दिया गया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार की एक अच्छी पहल है, जिससे महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में स्वावलंबन बनाने में मदद मिलेगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BS मूर्ति ने मधुमक्खी पालन जीवन चक्र और सब्सिडी आदि के बारे में विस्तार से बताया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए स्वावलंबी बनाना है। वही शिविर में प्रशिक्षण भाग लेने आए ग्रामीण महिलाएं भी काफी खुश नजर आई। कैंप में बी पॉजिटिव संस्था के संस्थापक स्वर्गीय कनुप्रिया ने निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और संकल्प लिया गया कि स्वर्गीय कनुप्रिया के सपनों को साकार करने के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में अमूल की तर्ज पर मधुमक्खी पालन की एक सहकारी संस्था का निर्माण कर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इस शिविर में महिला प्रशिक्षण ने प्रशिक्षणार्थियों को मधुमक्खी पालन करने, देखभाल करने, रोग व कीड़ों से बचाव व शहद निकालने आदि पर व्यावहारिक व तकनीकी प्रशिक्षण इस शिविर में दिया जाए। प्रशिक्षण पूरा करने पर कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रशिक्षण देने आई महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस अवसर पर कीट विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर SV सिंह, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, KVK के केंद्रीय निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह समेत 100 से अधिक प्रशिक्षित महिलाएं उपस्थित थी। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हूँ। इधर बी पॉजिटिव 4 दिन का जो ट्रेनिंग और उसके बाद महिलाओं को उनके साथ ले जाने का जो श्रम कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत आभारी हूँ। बी पॉजिटिव ऐसा इनका ऐसा सोच था, एक्चुअली महिलाओं के लिए भलाई करने के लिए महिलाओं को चुन के वो शुरू करें, लेकिन महिलाओं को क्यों चुन सकते हैं लेकिन महिलाओं से ये भलाई हो सकते हैं। जैसे एक बॉक्स में, मैं पहले कह चुका हूँ कि बॉक्स में एक क्वीन भी होता है, ये महिला होता है। इसके साथ क्वीन भी कंट्रोल कर सकता है पूरा बॉक्स के लिए, और उसका बॉक्स का जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये पास में हम इसके बाद प्रशिक्षण के बाद हम ये दे रहे हैं 5-5 बॉक्स प्रति महिलाओं के लिए। ये 5 बॉक्स शुरुआती है, ये 5 बॉक्स से इतना पैसा कमा ही सकते हैं। एक एक बॉक्स से 40 किलो तक इनका शहद आ सकते हैं एक साल में। एक उसके बाद 2 ही साल में एक 5 बॉक्स में 5 बॉक्स में 10 बॉक्स कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, प्रशिक्षण हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जहां हमारा अमूल मॉडल है, NDDB का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मॉडल है, वो दूध ले आके एक जगह में इकट्ठा करके उसका पैसा मिल जाता है, इसी तरह का दूध को भी शहद को भी ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे भारत सरकार के लिए प्रयास भी है। और अभी अभी 8 महीने के पहले एक प्रधानमंत्री का एक कमेटी बनाया था, विवेक देवराय ने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दे चुका है। उसमें 28 ऐसा रिकमेंडेशंस है, इससे 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। तो 14 डिपार्टमेंट को एक ही साथ ले आके जो जो प्रॉब्लम्स है बी कीपिंग और हनी मिशन का, वो भलाई करने के लिए, वो आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए बी पॉजिटिव नाम की संस्था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हॉर्टिकल्चर कमिश्नर भारत सरकार सब ने मिल के एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और वो
फेयर प्राइस पे उचित मूल्य पे मधुमक्खियों का शहद मार्केट कर पाएंगी और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। सर, सरकार के लिए सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किया है, कितना अभी बजट बता रहे थे? बजट जो हॉर्टिकल्चर कमिश्नर साहब ने बजट बताया वो तो उनका अपना बजट है जो भारत सरकार ने इसके लिए निर्धारित किया है। उसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें अपना योगदान देते हैं और ये सबका मिला जुला एफर्ट है। और साथ में बी पॉजिटिव जैसी संस्था जो कानुप्रिया सहगल जी का सपना था उसको पूरा करने में भी ये सहयोगी होगा। अभी जो किस तरह से महिलाओं को जोड़ रहे हैं सर, बी पॉजिटिव से? अभी आज 100-125 महिलाओं का जो प्रशिक्षण है वो हुआ है। इनको 5-5 मधुमक्खी के छत्ते और प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऐसी उम्मीद की जाती है कि इसको ये 3 से 4-5 गुना बढ़ा लेंगी और इनको देख के दूसरी महिलाएं हैं जो दूसरे लोग हैं वो भी मोटिवेट होंगे और वो इस क्षेत्र में आएंगे। इसे 100 से ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी महिलाएं इसमें प्रशिक्षण लेना चाहती हैं और ये काम करना चाहती हैं हम सबको शामिल करें। लेकिन ये आज एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो हरियाणा में बी पॉजिटिव ने की है। पहले महाराष्ट्र में ये बड़ा सफलतापूर्वक कर चुके हैं तो मुझे आशा है कि महाराष्ट्र से भी अच्छा काम हम कर पाएंगे।